हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाला है ट्रांसफार्मर पीआई टेस्ट। पीआई का फुल फॉर्म है पोलराइजेशन इंडेक्स। इस टॉपिक में ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो पब्लिश किया हूँ, इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। इस टेस्ट में प्राइमरी बुश को तीनों को एक साथ एक तार से शॉर्ट करना है। यहाँ पे देखिए, बुश को पतला तार से शॉर्ट किया होगा तीनों बुश को, ठीक है। सो अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैगर का दो प्रोप है, उसमें एक प्रोप उठा के यहाँ पे लगाना है बुश में, और एक प्रोप है वो पीछे, देखिए पीछे बॉडी में लगाया, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर का बॉडी में लगा हुआ एक प्रोप, ओके। पी आई वैल्यू के लिए 1 मिनट में एक वैल्यू निकालना पड़ेगा मैगर वैल्यू, और 10 मिनट में एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करने से जो रेशियो आएगा वही पी एल वैल्यू है, ठीक है। डिजिटल मैगर है, ये डिजिटल मैगर राइट साइड कॉर्नर में देखेगा टाइम चल रहा है, ठीक है। और ये वाला आपका मैगर वैल्यू, ओके। एक मिनट का वैल्यू यहाँ पे नीचे देखिए, 1 मिनट का वैल्यू 3.9 GHz। अभी 10 मिनट तक हम देखेंगे, अभी चल रहा है 5 मिनट, 5.56, 5.57, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट में कितना वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, कितना वैल्यू 5.66। डिस्प्ले का बैकग्राउंड लाइट नहीं चल रहा है इसलिए वो वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5.66 GHz, ओके। चलिए अभी पी आई वैल्यू कैलकुलेशन करता हूँ। 1 मिनट का वैल्यू 3.9 GHz, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट्स का जो वैल्यू है 5.66 GHz, डिवाइड करने से 1.451, ठीक है। सो 1.5 रेशियो मान लीजिएगा, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन कंडीशन का स्टेटस है, लेस देन 1 रहेगा वैल्यू डेंजरस, ठीक है। 1.0 to 1.1 रहेगा पुअर, 1.1 से 1.25 मैं क्वेश्चनेबल है, इसका ठीक करना है। 1.25 से 2 रहेगा तो फेयर, ठीक है। अबव 2 रहेगा गुड, ठीक है। अपना वैल्यू कितना 1.5, सो फेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन वगैरह करने से वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।